हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर से गांव से। और ये देखिए, ये गांव है हमारा, गांव के जंगल के बीच में है। और सुबह के हो चुके हैं 6:30 और मैं 4:30 बजे उठ गया था। तो सुबह बहुत ठंड है यहाँ पर, और रात को भी ठंड बहुत हुई थी, और जिससे कि हमने कंबल ओढ़ के हम सोए थे। तो ये सुबह का कुछ मौसम इस तरह का यहाँ पर है। अभी सूर्य भगवान जी सामने वाली पहाड़ी पर आ चुके हैं, देख रहे होंगे आप। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 1-1.5 घंटा और लग जाएगा सूर्य भगवान को आते आते। तो देखिए, सुबह का मौसम बहुत ही शानदार यहाँ पर अभी, और बहुत मज़ा आ रहा है। और सुबह सुबह उठने के बाद यहाँ पर जो साफ हवा है, बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है यहाँ की कि चारों ओर आपको हरा भरा मिलेगा। ये देखिए, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, तरह तरह के पक्षियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी, और उनकी आवाज़ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें आज बचपन की मुझे ताज़ा याद हो गई हैं। आप कह रहे होंगे बार बार ये शब्द, ये वर्ड ये दोहराते हैं, क्योंकि जो टाइम हमने पहले यहाँ पर बिताया था, जो समय हम यहाँ पर पहले बिता चुके हैं, वो खैर वापस नहीं आ सकता। लेकिन उस फीलिंग को, उस पल को याद करके हम इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बहुत बड़ी कमी है कि आज फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मम्मी पापा नहीं हैं, भाई नहीं हैं बड़े, वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो उनकी कमी बहुत खल रही है मुझे आज, यहाँ बहुत अलग सा महसूस हो रहा है। लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं कि हम आज यहाँ हैं। तो दोस्तों, नीचे आपको जो जंगली मुर्गे होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये एक सुखद एहसास है सुबह सुबह उठने का। सुबह सुबह जब भी आप पहाड़ों में आते हैं, कभी आपको मौका मिलता है, सुबह उठेंगे तो आपको इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी, जो अलग ही एक अलग सा एहसास होगा। देखिए, नीचे 3-4 जंगली मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, आगे भी हैं नीचे की तरफ। तो ये सारा जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, घना जंगल, इसमें मेरा 15 से 16 साल बीता है इन जंगलों में। और जो हमारा ये गांव है दूसरा, जिसको हम पारथा बोलते हैं, पारथा जो अलग सा गांव आता है, उसी का ये हिस्सा है। और उसी से नीचे 0.5 किलोमीटर नीचे ये घर हमारा पड़ता है, और बिल्कुल जंगल के बीच में, बिल्कुल सुनसान जगह। और रात को तो, अगर जो नए लोग होंगे इसी जगह आकर के, उनको रात को यहाँ डर भी लग सकता है, क्योंकि चारों ओर जंगल है। देखिए, और ये यहाँ 2-3 खेत के बाद तो घना जंगल लग जाता है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ तो हम बचपन में खूब गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का ये वो इलाका है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, अंग्रेज बहुत आते हैं यहाँ पर। और ये माँ नंदा देवी का ससुराल है, माँ नंदा देवी का इलाका है, और भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया इस पूरे एरिया में है। तो यहाँ से बिल्कुल, अगर हिमालय की ओर जाने की बात करें, तो यहाँ से हिमालय के लिए अगर कोई ट्रैकिंग करता है, तो ये सामने के एरिया से सीधे ऊपर निकलते हुए जो मेन गांव है पारथा, वहाँ से ऊपर निकलते हैं, तो ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, रास्ते में मिलेंगी, और बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी वहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ये मकान थोड़ा पुराना हो गया था, इसकी मरम्मत का काम जारी है। तो जो छोटे भाई हैं उन्होंने ये काम लगवा रखा, तो मैं तो बाहर ही रहता हूँ। ये पुरानी वाली ओखली है,
यहाँ पर जो धान होता था उसको चावल बनाने का काम यहीं पर करते थे, और मैंने काफ़ी बार यहाँ पर धान को चावल में मतलब चेंज किया, यानी कि धान को कूटा है। और ये पहले के बगीचे जो अब कुछ तो इनमें दिख नहीं रहा, और यहाँ पर ये आलू के पौधे हैं, और ये सामने आड़ू का पेड़ है, इस पे आड़ू लगे हुए हैं, और ये संतरे का पेड़ है पीछे आड़ू का, और ये संतरे के पौधे हैं। तो यहाँ आपको हमारी इस गांव में इलाके में आपको बांज के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, जो कि यहाँ की ठंडक को बरकरार रखती है, और जो पानी के शुद्ध स्रोत होते हैं इन्हीं की जड़ों से होकर के आगे जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से, और नीचे वाला जो गांव है हमारा सगवाड़ा, वहां जा रहे हैं। पीछे से छोटे भाई हमारे, और ये देखिए एकदम घना जंगल है, बड़ा संकीर्ण रास्ता है, लेकिन इस जगह से मैं वाकिफ हूँ तो मैं आसानी से चल पा रहा हूँ। तो जो नए लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है चलने में, क्योंकि बचपन इन्हीं रास्तों और इन्हीं जंगलों में बिता है हमारा, तो उतनी परेशानी नहीं महसूस होती है। बस यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कर क्या सकते हैं। ये देखिए हम कैसे रास्ते से निकल रहे हैं आगे, और ये चारों ओर जंगल ये देखिए। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ आप वेदर और एडवेंचर का पूरा मज़ा ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये कुछ लाइफ के क्षण होते हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में संजो के रख सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल घना जंगल, हम यहाँ ऊपर से आए, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा संकीर्ण कुछ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा पुराना रास्ता है। यहाँ पर आप ना के बराबर आवाजाही है तो रास्ता बिल्कुल दिखेगा नहीं। ये देखिए जंगल में चिड़ियों की चहचहाट, शहरों में ऐसी शांति, चिड़ियों का ऐसा चहचलाना, ये कुछ सुनाई नहीं देगा। ये देखिए आप ये, और बरसात के टाइम में ये बहुत पानी इसमें आ जाता है, छोटा नाला है, और इतनी तेज़ी से कभी कभी पानी आता है इसमें कि बाढ़ का रूप भी ले लेता है। तो पहले इसमें पानी हमेशा होता था, लेकिन ऊपर जंगल कट चुके हैं और सड़कें आ चुकी हैं, तो उस वजह से जो पानी के स्रोत थे वो सूख चुके हैं। तेज घना जंगल, हरियाली बिल्कुल बहुत ही अच्छी, ये देखिए। वाह, और इन जंगलों में आपको भालू, रीछ, कुछ ना कुछ सुअर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने मिट्टी खोदी हुई है, ये देखिए ये मिट्टी खोद रखी इन्होंने, तो यहाँ जंगली सुअर आपको मिल जाएगा। अभी वैसे दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे ये अपनी गुफाओं में जहाँ ये दिन का बसेरा होता है वहाँ ये छुप कर रहते हैं, और रात को ये निकलते हैं बाहर, और जो इनको करना होता है, किसी की फसल ख़राब करनी हो, अपनी भोजन की तलाश में ही रात को निकलते हैं बाहर। और ये घना जंगल है, जंगली जानवरों का भी यहाँ भय रहता है। ये कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये देखो ना कितना कितना खतरनाक यहाँ पर इन्होंने खोदा हुआ है, ये ताज़ा ताज़ा खोदा हुआ है। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं यहाँ सुअर हो सकता है, और ये जंगली सुअर कभी कभी इतने घातक साबित हो सकते हैं कि ये इंसानों पे अटैक कर लेते हैं। तो आधे जंगल को तो हमने पार कर लिया है, अब थोड़ा सा रह रखा है,
इसके बाद चीड़ का जंगल शुरू हो जाएगा, जिसको पाइन वुड कहते हैं, उसका जंगल शुरू होने वाला है। ये देखिए, तो एडवेंचर का भी अपना मज़ा है अलग। और कभी अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो ज़रूर आप लोग ऐसी जगह आए, सुकून और शांति भरी लाइफ है, और इससे थोड़ा आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप जो भी काम करते गर्म जोशी के साथ, एनर्जी के साथ करते हैं, तो ये नेचर का भी बहुत बड़ा फर्क है। ये तो अब यहाँ से पाइन का जंगल शुरू हो चुका है। सामने नीचे खाली जमीन दिख रही है, ये वाली, ये भी एक टाइम पे आबाद थी, यहाँ पे भी फसल उगाई जाती थी, लेकिन अब पलायन की वजह से कहे या लोगों की अपनी ज़रूरतें, वो यहाँ से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो लोगों ने खेती करना यहाँ भी बंद कर दिया है। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर हमारा देखा था, वहाँ पर खेती करना बंद कर दिया है। तो आज की डेट में सारे लोग बाजार पर ही निर्भर हैं, और जो उनकी आय का साधन है, जो उनकी इनकम है, चाहे नौकरी पेशे से कर लें या गारंटी रोजगार कह लें, या कहीं पे किसी के पास मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी से उनका अपना गुजारा चलता है। तो इस तरह से ये ज़मीन भी छूट चुकी है। तो ऐसे अनगिनत हजारों जगह आपको उत्तराखंड में मिल जाएगी, जहाँ पर लोगों ने पलायन करने के बाद दोबारा उस जगह मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये देखिए कितना खतरनाक कांटे वाली झाड़ी है। अब इसे कैसे निकले यार इसकी आँख। और ये साथ में यहाँ पे बिच्छू घास है, अगर जरा से ये आपके बॉडी में कहीं टच हो गया तो फिर आपकी तो ऐसा लगेगा जैसे पुलिस ने 3rd degree दे दिया आपको, है ना। ये तो अभी जो मैं जमीन की बात कर रहा था, ये उनके मालिक की अपनी गौशाला थी, यहाँ पे वो कभी रहा करते थे अपनी मवेशियों के साथ, यानी कि गाय भैंसों के साथ यहाँ पर रहते थे। तो आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है, देखिए आप। तो उत्तराखंड के हर जगह, हर राज्य में आपको ऐसे मकान देखने को मिलेंगे, और वो भी सुंदर, इन सुंदर वादियों में। ये देखिए आप, और हम सामने वाले घर से आए थे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे होंगे आप सामने, यहाँ से हम अभी आए थे, यहाँ से ये पेड़ के बीच से आपको मकान दिखाई दे रहा होगा ये। तो यहाँ से भी हम आए थे, और सामने वाला एरिया ये देखिए बहुत ही शानदार। ये चीड़ के जंगल से आगे आ चुके हैं, ये पुरानी जगह। नमस्कार, क्या क्या होने तुम्हारा? हाँ, ये देखो बैल लेके आ रहे हैं, और ये जा रहे नीचे आछेटी में, ये यहाँ पर। तो हाँ क्या करें, आजकल कोई जमीन कम नहीं, सब दिल्ली कोई कहीं भाग गए। और क्या होने, सब बढ़िया? हाँ चलो बढ़िया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तलकोट आप उड़ रहे हम तलकोट पर सब भाई साहब। भाई साहब तो महताऊ जी लड़का जनानु कंदर सिंह की। भाई साहब आप पछड़े हैं तुम्हें? ना ना, यहाँ तलकोट। मनोज मनोज हाँ तब ये तो भाई साहब। हाँ सब बढ़िया। तो देखिए शानदार चीड़ का जंगल है, और कई बार इसकी जो पत्तियां होती ना, जब जमीन पे गिरी है तो काफी चिकनी होती है, तो इसमें फिसलने का बहुत डर होता है, और बहुत तेजी से फिसलता है। तो कई बार तो हम पहले गिरे हुए हैं, तो पुराना एक्सपीरियंस है, तो अब संभल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बारी फिसल गए तो पता लगे यहाँ से सीधे नीचे ना निकल जाएं, क्योंकि खतरा पहले से ज़्यादा हो चुका है। एक तो पहले में जब बात थी तब तो हम बच्चे थे, तो बचपन में जितनी चोट लगी वो
बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। तो अब बहुत संभल के चलने का काम है। सामने का गांव है सगवाड़ा, और अभी हम जा रहे हैं सामने इस वाले घर में। तो कोई हमारे भाई हैं बड़े, वो बीमार चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो दिल्ली भी उनका 2-3 बार ही मुझे फ़ोन आया था कि कब आ रहा मिलने। तो आज मेरे पास मौका है उनसे मिलने का, तो मैं जा रहा हूँ नीचे वाले गांव में इस जंगल के रास्ते। ये देखिए हम ऊपर से होते हुए ये, और ये जगह वो है देवसुण बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि नीचे और ऊपर से कोई भी लोग कोई सामान लेके आ रहे हैं, बोझा है उनके पास बड़ा हैवी, अगर उनको कहीं पे विश्राम करना है तो यहाँ पर ये पत्थरों का आप देख रहे होंगे सिर्फ, तो यहाँ पर वो अपना बोझा रख करके आराम करते थे थोड़ा देर के लिए, कि उनको एनर्जी मिल जाए और उनकी थकान थोड़ा कम हो जाए। इसकी पगडंडी यानी कि जो धार सी है, खड़ी धार, जैसे कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे तो इसी तरह की आपको चढ़ाई वहाँ पे भी मिली होगी, तो सेम यहाँ पे भी वही है। तो इसी का सहारा लेते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं। वैसे ये रास्ता बना था, लेकिन जब से गाँव को सड़कों से जोड़ा गया तब से ये रास्ता छूट चुका है, बहुत कम लोग यहाँ पैदल आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, खाना मांग रहे हो, ये 2-3 बच्चे पक्षी के, पता नहीं कौन सी पक्षी है, और इनको लग रहा है कि हमारी माँ आ गई है हमको खाना देने के लिए, तो अपना चोंच खोल रखा उन्होंने खाने के लिए, लेकिन हम इनको खाना कहाँ से दे सकते हैं। चार हैं। और मुझे पता है ये पक्षी कौन सी है, मैं नाम भूल गया इसका, क्योंकि जैसे इसने मुंह खोला ना पीला सा दिख रहा है। तो बचपन में ये पक्षी मैंने खूब पकड़ी हुई है, हमने पकड़ी कमल और मैंने बहुत पक्षियां पकड़ी ऐसे। अच्छा हाँ, तो मैं पहचान तो गया हूँ, लेकिन आँख नहीं खुली उनकी, इसका नाम भूल गया हूँ मैं, आँख भी नहीं खुली है इनके अभी तक। देखो कितने सुंदर लग रही है, ये देखो कैसी जगह पर इन्होंने घोंसला बनाया। देखिए इतना दूर से अगर कोई देखेगा तो, अगर गौर करेगा तो तभी पता लगेगा कि यहाँ पर पक्षी ने बच्चे दिए हैं, घोंसला है उसका यहाँ पर। देखिए तो उसकी माँ खाना और भोजन जो होता है इनका उसकी तलाश में कहीं गई होगी। और मैं अभी ये पहुंच चुका हूँ घाटों के गदरे में। ये हमारा यहाँ पर घाट है, गांव का ही है, तो यहाँ पर आटा चक्की कहते हैं इसको, गांव की मतलब अगर गांव में कोई कहेंगे तो इसको घराट बोलते हैं, यानी कि छोटी आटे की चक्की है। तो इसी जो ये पानी है नीचे, ये पानी की छोटी नदी है यहाँ पर, और ये सारा स्रोतों का पानी आ रहा ऊपर हिमालय की तरफ से बह के, यानी कि ऊपर जो मेरा गांव है दूसरा वाला वहाँ से बह करके नीचे यही पानी ऊपर से आ रहा है, और इसी से घराट चलते हैं यहाँ पर। सामने वाला जो पेड़ दिख रहा है, ये जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है वहीं से होकर आए हैं और ऊपर यहाँ से आएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से इधर, और ये पुलिया के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और ये शानदार नज़ारा आपको यहाँ आकर ही मिल सकता है। और मौसम बहुत अच्छा हो गया यार, देखिए गर्मियों का मौसम है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, और पैदल पैदल आए, अंदर पसीना भी बहुत निकल गया है, लेकिन मज़ा आ रहा है पैदल चलने में। ये देखिए वाह, तो ये हमारा घाटों का गदेरा है, यानी कि गदेरा छोटी नदी। ये देखिए ये सामने घराट नज़र आ रहा होगा आपको, सामने घराट है और ये नदी आ रही ऊपर से, ये अरे सामने से रास्ता आ रहा है। और ये बचपन में मैंने ये जगह ऊपर भी खेला है, और गाय भैंस लेके आते थे हम यहाँ पर, और ऊपर तक जाते थे हम ऊपर जंगल तक, वहाँ से लकड़ी भी लेके आते थे गाय भैंस को चरा के, फिर ऐसे ही रास्ते से वापस इसी रास्ते से होके वापस घर को जाते थे। और यहाँ पर स्रोत का पानी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये देखिए ये स्रोत का पानी है, देखिए और बहुत ही ठंडा, बर्फ़ के जैसा ठंडा पानी है ये देखिए, और साफ़, आधा गिलास पानी में आपकी प्यास बुझ जाएगी।